तेबे ये सीधा चित्र वर्तमान आप देखिपुर जन्ममाटी में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिनिया ओडिशा गस्तर आज हूँ द्वितीय दिन एवं ये सीधा चित्र आपण मैंने देखिपुर निज मटी में महामहिम एवं ये सबुठ उत्साह वर्तमान देखा मिलूँ कारण नूतन भाव में टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन रि शुभारंभ कर राउरकेला एक्सप्रेस और शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ हो लाइव विजुअल आपण मैंने देखिपार नंदीघोष टीवी माध्यम समस्त मुहरे हस हस मुह देखा मिलूँ बादाम पहाड़ रेल स्टेशन रे नूतन भाव में टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन एवं बादाम पहाड़ राउरकेला एक्सप्रेस और शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेन आज शुभारंभ हो हाथ हलाई समस्त को संबोधन करा जाउची ये सीधा चित्र आपण मैंने देखिपार जोठी पहुँची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनेक गुड़िया कार्यक्रम रही टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन बादाम पहाड़ राउरकेला एक्सप्रेस और शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेन आज शुभारंभ कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सीधा चित्र आपण मैंने देखिपार आज अनेक गुड़िया कार्यक्रम रही द्वितीय दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कारण ये हूँ तीन दिनिया ओडिशा गस्त एवं आज हूँ द्वितीय दिन आज दिन में गुड़े कार्यक्रम रोचे राष्ट्रपति ये सीधा चित्र आप देखिपार कारण जो समय समस्त अपेक्षा थिला ट्रेन को नहीं कारण टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन कथा कहतु बादाम पहाड़ राउरकेला एक्सप्रेस कथा कहतु और शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं निश्चित रूपे समस्त भितर ना ना उत्साह जिते बड़े मेमू ट्रेन आज शुभारंभ कर समस्त मुहरे से हस देखा मिलूँ जगन्नाथ की भूमि ओडिशा राज्य में विकास की जो गति चल रही थी उसे वर्ष 2014 में मिली नई रफ्तार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से ओडिशा में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का एक नया युग प्रारंभ हुआ। पहली बार ओडिशा में रेलवे विकास के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ जो कि पहले की तुलना में लगभग 12 गुना अधिक है। बजट बढ़ा तो निर्माण की गति में भी बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप राज्य में 2014 के बाद रिकॉर्ड नई रेल लाइन बिछाई गई। वहीं पिछले 9 वर्षों में ओडिशा में रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण तीव्र गति से किया गया है। इसी के फलस्वरूप आज राज्य का 100% रेल नेटवर्क रेलवे की प्रगति के इसी क्रम में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ की जा रही है ओडिशा में 3 नई रेल सेवाएं और अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। इन ट्रेनों के संचालन से ओडिशा के पूर्वी क्षेत्र की पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी जिससे यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर का अनुभव होगा। साथ ही जगन्नाथ मंदिर और माँ अंबिका मंदिर तक पहुँच आसान होने से राज्य में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। तो आइए ओडिशा में कनेक्टिविटी के नए युग के साक्षी बने भारतीय रेल लाइफलाइन ऑफ द नेशन। प्रगतिर गोटे पर गोटे पावच्छक अतिक्रम करी आसी भारतीय रेलपथ एवं भरोसार विश्वास से होइछ अन्य नाम जोगाजोग क्षेत्र में जो वैप्लविक परिवर्तन आसी आज तार एक सफल प्रकाश को आम अनुभव करुच्छू। दक्षिण पूर्व रेलपथ अंतर्गत बादाम पहाड़ रेल स्टेशन नवीकरण एवं एठार चलुवा ट्रेन गुड़ी नहीं आम ए अवसर में अनुरोध करूँ मंच में आसी अच्छा केन्द्र जनजाति व्यापार और जलशक्ति मंत्रणालय माननीय राष्ट्रमंत्री भारत सरकार श्रीयुक्त विश्वेश्वर टुडु महोदय को अभिभाषण उपस्थापन करने धन्यवाद। आज कार्यक्रम मंचा आसीन
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अनुरोध करू मंच केन्द्र जनजाति व्यापार और जलशक्ति मंत्रालय माननीय राष्ट्रमंत्री भारत सरकार श्रीयुक्त विश्वेश्वर टुडू महोदय को अभिभाषण उपस्थापन करने धन्यवाद। आज कार्यक्रम मंच आसीन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा रो माननीय राज्यपाल श्री रघुवर दास जी भारत सरकार दुई वरिष्ठ मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी श्री अश्विनी वैष्णव जी राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री